हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू मम्माज आर्ट रूम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ व्रत और उपवास के लिए मखाना चूड़ा की रेसिपी, बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस और नाइलॉन साबुदाना चूड़ा की रेसिपी, दोनों इंस्टेंट चूड़ा रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो मखाना चूड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल मखाना, काजू, बादाम, मूँगफली, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक ले लिया है और पैन गरम करके एक चम्मच देसी घी डालकर गरम करना है और उसमें काजू जो है वो हमें शैलो फ्राई कर लेना है, मीन्स अच्छे से हमें उसे हल्का गुलाबी रंग का होने तक भून लेना है, जब तक कि वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, काजू तो अच्छे से हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो इसे हमें एक कटोरी में जो है वो निकाल लेना है। इसके बाद इसी घी में हमें बादाम जो है वो भी अच्छे से रोस्ट कर लेने हैं, जब तक कि वो क्रिस्पी नहीं बन जाते हैं। तो बहुत ही कम घी में हमारा चूड़ा जो है वो बन के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम घी जो था वो हमने लिया हुआ था, फिर से घी मैंने ऐड नहीं किया है। बादाम भी अच्छे से रोस्ट होने के बाद उसे भी निकाल लेना है। उसी घी में हमें मूंगफली भी रोस्ट कर लेना है, वो भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें उसे भी रोस्ट कर लेना है। मूंगफली भी अच्छे से रोस्ट होने के बाद उसे भी एक कटोरी में निकाल लेना है और आप देख सकते हैं घी वैसे के वैसे बचा हुआ है, उसी में मखाना हमने ऐड कर दिया है। तो जो मखाना है वो भी हमें हल्के गुलाबी रंग के होने तक 5 मिनट तक उसे भून लेना है। आप चाहे तो आधा चम्मच घी जो है वो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल भी घी जो है वो अभी बचा नहीं है पैन में। बहुत ही ड्राई मखाना हमारा भून कर रेडी हो गया है। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, हम बिल्कुल ही क्रिस्पी वो बन गया है। तो जो भी फ्राई चीज़ें थी हमारी, काजू, बादाम और मूंगफली, वो इसमें ऐड कर देनी है। मिक्स करके हमें उसमें सादा नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अनुसार, पीसी हुई शक्कर भी उसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मखाना चूड़ा हमारा बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस। इसके बाद आधा कप नायलॉन साबुदाना, आधा कप मूंगफली और आलू केस लिया है, कसा हुआ आलू जो सुखाया रहता है। तो सबसे पहले हमें मूंगफली डीप फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई होने के बाद उसे निकाल कर रख देना है और उसमें हमें नायलॉन साबुदाना जो है वो भी डीप फ्राई कर लेना है। कंटिन्यूस इसी तरह हिलाने से अंदर की साइड तक वो अच्छे से फूल जाता है, कच्चा नहीं रहता है। तो इस तरह से हमें वो फ्राई जो है वो कर लेना है। इसके बाद आलू किस ये भी फ्राई करके, अगर आपके घर में आलू किस नहीं है तो आप सिर्फ मूंगफली और नायलॉन साबुदाना का भी चूड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको दोनों चूड़ा रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।